फ्रेंड, हम लोग पहुंच गए हैं अपने मेन्यू पर, जहां पर कि हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। ये है हमारा प्लेटफॉर्म और यहां बैठेंगे जज, इधर बैठेंगे दर्शक और सारे कॉन्टेस्टेंट जो हैं वो आ चुके हैं, ज़्यादातर आ चुके हैं और कुछ लोग शायद आ रहे हैं। नीतू अभी नहीं आई है, तो बेस्ट ऑफ लक बोलिएगा मुझे कि मैं यहाँ से कुछ तो लेके जाऊँ। मुझे जीतने का बहुत वो नहीं है, मैंने पार्टिसिपेट किया यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर अगर ईश्वर को मंजूर होगा तो शायद मैं यहाँ से ट्रॉफी लेकर जाऊंगी, जैसा कि मेरे संग हमेशा होता है। बहुत ही अच्छा इंतजाम है और ये सर लोग हैं, इन्होंने ये देखिए सब वहाँ पर सब लगाया जा रहा है, ट्रॉफी वगैरह जो मिलेगी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखकर। और पहली बार मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, आज तक मैंने ये नहीं किया है। और अभी देखिए सब कुछ अभी तय, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारना है, आज तो बहुत सारा हिम्मत जुटाना है, बहुत सारा, क्योंकि इतने दिन जो मेहनत की हो ना उसका रिजल्ट आ जाने वाला है। तो अपने आप को एकदम रॉक स्टार समझो, तुम किसी से कम नहीं हो। ये लाल दुपट्टे वाली जो है यही हमारी आज की जज है। इनका कलर चैनल पे बहुत सारा सीरियल भी आता है, मिस्टर बैरिस्टर में, बैरिस्टर बाबू में भी इनका रोल था। और ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस, यही आज हमारी जज है। अभी खाली नहीं है कोई। ये बारबी डॉल, इनको सर ने पहले ही बोल दिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा पेट, हाँ आपका आया यही है। Okay.
से मतलब देखी हूँ सब लोग काफी अच्छा। हरिना जी, मैंने जब आपके बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि आपके पिताजी बहुत गुस्से थे जब आपने सोचा था कि मैं इस इंडस्ट्री में आगे आऊंगी, तो क्या बताना चाहते हो अपने पापा के बारे में, क्या अभी वो खुश या फिर कैसा आपका स्ट्रगलिंग पॉइंट था तब से लेके अब तक? बेटी कहीं और रूप में चली गई, फादर कहीं और रूप में, स्टार्टिंग में हो जाता है ऐसा, लेकिन अभी ही सो मच हैप्पी, सो मच प्राउड ऑफ मी विच आई एम बीइंग।